वेलकम टू लर्निंग कॉन्सेप्ट बाय गणेश सर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पदार्थ जो जलने के बाद ऊर्जा या ऊष्मा प्रदान करता है उसे हम ईंधन या फ्यूल के नाम से जानते हैं। अब जो ईंधन या फ्यूल्स होता है उसमें एक वैरायटी होती है जिसका नाम होता है बायोफ्यूल। हिंदी में इसको कहते हैं जैव ईंधन या जैविक ईंधन। बायोफ्यूल का मतलब होता है कि एक ऐसा ईंधन जो प्राकृतिक संसाधनों से, नेचुरल रिसोर्सेज से, पौधे और जो है जंतुओं के शरीर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो है प्राप्त किया जाता है या उन्हें तैयार किया जाता है, ऐसे ईंधन को हम जैविक ईंधन या जैव ईंधन या अंग्रेजी में इसे बायोफ्यूल के नाम से जानते हैं। अब जो बायोफ्यूल्स होते हैं सामान्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों से तैयार किए गए, जिसमें मुख्य रूप से एनिमल और प्लांट्स होते हैं। तो एनिमल और प्लांट से या फिर बायोमास से तैयार किए गए जो फ्यूल्स होते हैं हम उसी को कहते हैं बायोफ्यूल्स। द फ्यूल्स ऑब्टेंड फ्रॉम बायोमास नेचुरल रिसोर्सेज प्लांट एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज इज कॉल्ड बायोफ्यूल। इसका मतलब है कि एक ऐसा ईंधन जिसको हम बायोमास से प्राप्त करते हों या बनाते हों या तैयार करते हों, जिसमें मुख्य रूप से प्लांट और एनिमल्स का शरीर होता है, और जो फ्यूल्स होता है वो तीनों फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। तो ऐसे फ्यूल्स को हम बायोफ्यूल कहेंगे। सॉलिड बायोफ्यूल का एग्जांपल है आपका कोल है और ऊड है, यानी कोयला और लकड़ी। लिक्विड का एग्जाम्पल है एथेनॉल, मेथेनॉल, जो कि तीसरी वैरायटी होती है बायोडीजल, जिसको मुख्य रूप से तैयार किया जाता है जेट्रोफा से, सनफ्लावर से, पाम ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल से। इसी तरह से चौथी वैरायटी है बायोगैस की। इसको तैयार करने के लिए हम मुख्य रूप से कृषि के जो अपशिष्ट या बेकार पदार्थ होते हैं, जिन्हें एग्रीकल्चर वेस्ट कहा जाता है, जंतुओं के जो अपशिष्ट नाइट्रोजन या अपशिष्ट हानिकारक विषैले पदार्थ, जिनको मल और मूत्र के रूप में शरीर से बाहर किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में एक्सक्रीटिव मटेरियल कहते हैं। इसी तरह से घरेलू कचरे जो होते हैं, होम गार्बेज, इन सभी पदार्थों के डिकम्पोजिशन के द्वारा यानी अपघटन के द्वारा जो है बायोगैस को तैयार किया जाता है। बायोफ्यूल्स को जो है कुल तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है जनरेशन के रिफरेंस में। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल, यानी इनको कुल तीन जनरेशन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल जो होता है मुख्य रूप से इसको शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल आयल और एनिमल फैट से तैयार किया जाता है। तो स्टार्च, वेजिटेबल आयल, सुगर और एनिमल फैट से तैयार किया जाने वाला जो बायोफ्यूल्स होता है उसको कहा जाता है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स। इसमें है बायो अल्कोहल, दूसरा है बायो ब्यूटेनॉल, तीसरा है एथेनॉल, चौथा है मेथेनॉल, पाँचवा है बायोडीजल, अगला है वेजिटेबल आयल, बायोगैस, साइन गैस और सॉलिड बायोफ्यूल। ये सभी के सभी फर्स्ट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल से संबंधित हैं। दूसरा है सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल। इसमें जो है तैयार करने के लिए इसको ग्रासेस का, जेट्रोफा का, वेस्ट वेजिटेबल्स का, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल की अगर बात किया जाए तो थर्ड जनरेशन की जो होती है वो मुख्य रूप से एल्गी से बनी हुई होती है, यानी एल्गी से बने हुए बायो फ्यूल्स जो होते हैं वो आपके कहलाते हैं थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स। इसमें एग्जांपल क्या क्या होता है, जैसे कि बायोडीजल है, गैसोलीन है, ब्यूथेनॉल है और फिर एथेनॉल है। ये सारे के सारे बायोफ्यूल्स जो हैं आपके थर्ड जनरेशन आप बायोफ्यूल्स के नाम से जाने जाते हैं। अब जो बायोफ्यूल्स है इसका मुख्य रूप से एडवांटेज क्या है, यानी इससे हमको लाभ क्या क्या मिलता है। इसमें पहला है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है उपलब्धता, यानी यह बड़ी आसानी के साथ जो है हमें उपलब्ध हो जाता है हमारे सराउंडिंग में। जहाँ कहीं पर भी जो है इसके रिसोर्सेज उपलब्ध होते हैं हम वहाँ आसानी से इसको हासिल कर सकते हैं, इसकी प्रोसेसिंग करके इसको तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात है नो पॉल्यूशन। इसको बनाने में किसी तरह विशेष हानिकारक विषैले पदार्थों का जो है निष्कासन वातावरण में नहीं होता है और वातावरण की जो शुद्धता है बनी रहती है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बायोफ्यूल्स में किसी तरह का को तैयार करने में किसी तरह का कोई वातावरण से संबंधित कोई नुकसान नहीं होता है। इसी तरह अगला क्रम है इसी में लो कार्बन इमिशन। इसमें कार्बन का उत्सर्जन भी बहुत कम मात्रा में होता है और जॉब अपॉर्चुनिटी। बायोफ्यूल्स को बनाने से संबंधित जो कारखाने होते हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ये थाउजेंड्स लोगों को जो है रोजगार उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटी का भी बायोफ्यूल से संबंधित जो प्लांट होता है
ये एक अच्छा स्रोत माना जाता है। इसी तरह से इसका डिसएडवांटेज यानी इसका नुकसान क्या है, इसके निगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। पहला है हाई कास्ट, इसको बनाने में कास्ट जो होती है काफ़ी ज़्यादा आती है, जबकि अन्य जो मेथड्स हैं तैयार करने के वो काफ़ी सस्ते होते हैं। वाटर लॉस, इसको बनाने में पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है आवश्यकता होती है, इस तरह से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है पानी की खपत इसमें होती है। मोनोकल्चर, क्योंकि जब हम बायोडीजल प्लांट की कल्टीवेशन करते हैं तो बार बार एक खेत में एक ही टाइप की फसल को उगाते हैं, तो एक खेत में एक ही टाइप की लगातार फसल उगाने से संबंधित जो घटना होती है उसको हम मोनोकल्चर कहते हैं। और ऐसा करने पर क्या होता है कि मिट्टी की जो उपज की क्षमता होती है वो धीरे धीरे लॉस होती नज़र आती है। इसी तरह से इंक्रीमेंट इन फूड प्राइसेस, जब एक ही तरह की केवल डीजल से संबंधित प्लांट का जब हम कल्टीवेशन करेंगे तो खाने पीने से संबंधित फसलों का उत्पादन कम होगा, जिससे उनकी कीमतों में काफ़ी जो है वृद्धि होगी अर्थात महंगाई आएगी। तो ये सारी चीज़ें डिसएडवांटेज के रूप में देखने को मिलती हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।